आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी से मोमोज, जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं और बड़ों को भी पसंद होते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल मोमो घर में। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मोमोज की चटनी तैयार कर लेनी है हमने। दो टमाटर को काट कर और थोड़ी सी ये रेड वाली रेड चिली है ना, साबित होती है, इनको मैंने बॉयल कर लिया। ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें थोड़ी डालेंगे अदरक और लहसुन। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेना और इसमें मिलाना है नमक, ताकि लाल लाल चटनी हमारी मोमोज की तैयार हो सके। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसका रेड कलर लाने के लिए बाज़ार में तो रेड कलर डालते हैं, हम इसमें शेजवान सॉस 2 चम्मच डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे जो है चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हमें इसकी सब्ज़ी तैयार कर लेनी है। हमने पत्ता गोभी को एक बड़ा कटोरे में काट लिया था। इसको अच्छे से महीन महीन बारीक काटिएगा और उससे छोटी भी कटोरी हमने शिमला मिर्च काटी है और अदरक, ये सबको हमने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया था। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, ये अपने हिसाब से डालिएगा जितना पसंद करते हो। अच्छा, हरी मिर्च अपने जो है, जैसे बच्चे छोटे हों घर में तो जो है कम डालिएगा, तो मेरे घर में बच्चे हैं छोटे तो मैं कम डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डालिएगा और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। हमने क्या किया है, ये सब मसालों मिला करके इसको ढक के रख देना है, मिक्स करके इसको अच्छे से कंबाइन कर देंगे। और इसमें पानी जो छूटेगा ना, तो पहले मैं पानी इसका निकाल के अलग कर दूँगी, तभी इसको सब्ज़ी को डालूँगी मोमोज में। तो इसे ढककर हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए। एक कटोरी प्याज हमने ग्रेट की थी, इसे डालना भूल गए थे, इसे भी अच्छे से कंबाइन कर देंगे। इन सबको अच्छे से हमें 10 मिनट के लिए रख देना है। तो अब हमें जितने मोमोज बनाने हैं हमें उतना आटा लेना है। हमें 1 कप आटा लेना है और इसमें हमें मिलाना है थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मिलाएंगे अब हम थोड़ा पानी और इसी के साथ मिलाएंगे इसमें हम ऑयल। अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करके आटा गूंद लेना है। आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है, ऐसे हमें ना ज़्यादा गीला रखना है ना वो पूरी जैसे गूंदते हैं ना इस तरह का आटा। इसको अब हमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रख देना है 10 मिनट के लिए कवर करके। सब्जियों का पानी में निचोड़ कर ये देखिए अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे सब्ज़ी थोड़ी ड्राई हो गई है, अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच बड़ा भर के ऑयल। इससे क्या होगा, जो मेरी सब्जियां जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और फटेंगी भी नहीं। और क्योंकि ऑयल जितना भी हम थोड़ा बहुत डाल देंगे उससे जो है बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अब इस तरह से इसको अलग करते हैं, साइड में रखते हैं। आटा हमारा अच्छा रेस्ट हो गया। अब इसकी हमें छोटी छोटी बिल्कुल लोई काट लेनी, जितने बड़े आपको मोमोज तैयार करने उस हिसाब से इसमें छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। छोटी छोटी पूरी की शेप में इसे बेल लेना, ज़्यादा मोटी मत बेलिएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं, इस तरह की हमें पूरी बेलनी है। अब हम इसमें वेजेस डालेंगे। वेजेस आप जितना भी भरना चाहें, 1 चम्मच इसके लिए काफ़ी है। तो इसको भर देते हैं और इसे जो है इस तरह से उठा के इसे प्लेटें बनाते हैं ना, इस तरह से इसको तलूपर करती हुई चली जाइए। मैदे की होती है इसलिए खिंचती रहती हैं और टूटती भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से बस इसको आप घुमा घुमा करके पूरी इसको प्लेटिंग करते रहना है और आपका मोमोज जो है पोटली वाला बहुत आसानी से बन जाएगा। इसकी बहुत सारी डिज़ाइनें होती हैं लेकिन आज मैं सिर्फ पोटली वाला ही बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पोटली तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सारे तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेना। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम चढ़ाते हैं पानी इसको बॉयल करने के लिए। पानी हमने बॉयल करने को रख दिया था। पानी हमारा देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है और बॉयल हो रहा है, देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें आपके पास जाली हो कोई भी घर में ऐसे रहती है तो स्टीमर की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें अब क्या करना, जितने भी मोमोज हैं सब में थोड़ा सा ऑयल लगा देना। इस पर भी हमने थोड़ा ग्रीस कर दिया है। अब इसके जो है पानी बॉयल हो रहा है इसी में हम रख देंगे। इसके लिए आपको स्टीमर, ये घर में तो स्टीमर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बाज़ार वालों को चाहिए होता है रोज़ बनाना। हम लोग कभी कभी बनाते हैं और इस तरह की जाली हर घर में मिल ही जाती है। तो आप जितने भी आएँ इसमें जितना भी स्पेस हो इस तरह से आप रख सकते हैं। आप क्या करना, अब हमें कवर कर देना है। आपके पास इस तरह से कढ़ाई का कोई ढक्कन हो या जो प्लेट हो कुछ भी ढक सकते हैं। अब इसको हमको 5 मिनट तक इसको नहीं बोलना है, इसको जो है गैस की फ्लेम हम थोड़ी मीडियम रख देते हैं। तो मोमो हमारे पक चुके हैं। अब हमें कैसे पहचाने, देखिए इसको खोला, देखिए अभी क्या उसका कलर चेंज हो चुका है, ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे मोमो तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम
बंद करते हैं और इसे निकालते हैं। और ये देखिए हमने ऑयल लगा दिया था ना, इसलिए देखिए पूरी आसानी से निकल जाएंगे। फाइनली मोमोज हमारे बनके तैयार हैं। बहुत इजी तरीका होता है घर में बनाने का और गर्मा गर्म खाएँ बाजार से अच्छा। ये देखिए इस तरह से पूरी स्टफिंग भरी हुई है और इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही यमी और टेस्टी।